निम्न में से क्या एक विद्युतकार का कर्तव्य नहीं है? पीसीबी वैद्युत परिपथों की स्थापना करना, पीसीबी परिपथ का निर्माण करना, मोटर की रिवाइंडिंग करना, उपरोक्त सभी। तो पीसीबी परिपथ का निर्माण नहीं करता है वो, जबकि ये सिर्फ बनाने का काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी का कर्तव्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? तो कार्य में रुचि न होना दुर्घटना का कारण है, और सुरक्षित पहनावा दुर्घटना का कारण नहीं होता है, जबकि अधिक उत्सुक होना ये दुर्घटना का कारण है, और अनुशासनहीन होना ये भी दुर्घटना का कारण है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, सुरक्षित पहनावा दुर्घटना का कारण नहीं होता। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, चाकू से तार काट देना चाहिए, पीड़ित को धक्का देकर लाइन से अलग कर देना चाहिए, उपरोक्त में से कोई भी एक विधि अपना सकते हैं। ठीक है, तो मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। विद्युत तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए आप प्रथम कदम क्या उठाएंगे? तो तत्काल डॉक्टर को बुलाएंगे, उसका हाथ पकड़ विद्युत तार से छुड़ाएंगे, उससे विद्युत तार से अलग करेंगे, अस्पताल ले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी है, उसे विद्युत तार से अलग करेंगे। एक विद्युत उपकरण को विद्युत स्रोत से जोड़ने से पहले निम्न में से क्या सुनिश्चित करना आवश्यक होता है? तो उपकरण पूर्णतः ठीक है कि नहीं ये चेक करते हैं, उपकरण सप्लाई देने योग्य है कि नहीं इसे भी चेक किया जाता है, उपकरण का धात्विक भाग अर्थ है कि नहीं ये भी देखा जाता है। तो उपरोक्त सभी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज हमेशा जोड़ना चाहिए, न्यूट्रल तार में जोड़ना चाहिए नहीं, अर्थिंग तार में जोड़ना चाहिए नहीं, फ्यूज हमेशा फेज तार में जोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना अनिवार्य होता है? उपकरण का स्विच ऑफ करना, उपकरण की इनपुट सप्लाई बंद करना, मेन स्विच ऑफ करना, मेन स्विच ऑन करना। तो मेन स्विच को ऑफ कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। यदि हमें किसी फ्यूज लैंप या खराब लैंप पंखे को हटाना है तो इस स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त कदम क्या होगा? स्टूल के लकड़ी पर खड़ा होना, रबड़ के दस्ताने पहनना, सिंगल पोल स्विच को बंद करना, मुख्य सप्लाई को बंद करना यानी आपूर्ति को बंद करना। तो ऑप्शन नंबर डी ही सबसे उपयुक्त है कि मेन सप्लाई को बंद कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी। विद्युत कार एक ही में रहेगा, ठीक है। विद्युत कार के जूते बने होते हैं किसके? रबड़ के बने होते हैं, प्लास्टिक के, चमड़े के, ये सभी। तो इसमें से ये गलत है, प्लास्टिक थोड़ा सा हाई वोल्टेज होने पर ख़राब हो जाते हैं, यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो इसका कम होता है, इससे ये विरंजक यानी ब्रेकिंग हो जाता है, जबकि रबड़ का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होता है, ज़्यादा होता है, तो इसमें खतरा कम रहता है थोड़ा सा, इसलिए रबड़ के ही दस्ताने बने होते हैं, रबड़ के जूते बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, निम्न में से सुरक्षा उपकरण पीपीई की श्रेणी में आते हैं क्या? चश्मा, दस्ताने, सुरक्षा पेटी, सब आते हैं। कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है? ढीला कपड़ा, टाई, मफलर, सभी आते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दुर्घटना टालने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? सुरक्षा उपकरणों को पहनना, जाब मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अपने तरीके से कार्य करना है, गलत होगा। किसी कुशल कारीगर की भांति कार्य करना सही है, बट ए वाला ऑप्शन प्योर सही माना जाएगा यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से। अगर ऑप्शन बी और सी डी दोनों रहता तो ओ वाला सही हो जाता, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा भौतिक खतरा है? तो भौतिक खतरा ए धूम्रपान, एक रासायनिक खतरा है नहीं, कंपन,
ये भौतिक खतरा है, क्षरण ये भी रासायनिक खतरा है, रेडियो सक्रियता ये भी रासायनिक खतरा है, तो कंपन ही भौतिक खतरा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का कारण संक्रमण हो सकता है, तो संक्रमण में जैविक नुकसान के कारण होता है संक्रमण, जो जैविक खतरा होता है वही संक्रमण का कारण होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें विद्युत सप्लाई एसी और डीसी दोनों प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। लाल रंग का बॉर्डर और लाल रंग का क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा चिन्ह में बनाई जाती है, तो लाल रंग का बॉर्डर और क्रॉस बार जो है निषेधात्मक में बनाया जाता है, जो कि इस तरीके से होता है, ठीक है, और सकारात्मक और सूचनात्मक, तो सकारात्मक तो ऐसे होता नहीं, सूचनात्मक वाला होता है जो इस तरीके का होता है, आयताकार होता है, ठीक है, तो इसका उत्तर होगा निषेधात्मक। सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह का धरातल चिन्ह आकार होता है, यानी बैकग्राउंड पूछ रहा है सूचना वाला में, तो सूचना वाला चूंकि हम जानते हैं वर्गाकार होता है, तो इसका जो है प्लस वाला जो बना रहता है आइकन, इसमें हरा रहता है, हरा, ठीक है, इसका बैकग्राउंड ऑप्शन, तो हरा क्या है, क्या धरातल चिन्ह सूचनात्मक है ना, तो सूचनात्मक वर्गाकार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें चित्र में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं निषेधात्मक चिन्ह, सब मना किया गया है कि ये काम नहीं आपको करना है, देखिए यहाँ पर जला बीड़ी पीना या जलाना मना है, दौड़ना मना है, ये सब इसे निषेधात्मक चिन्ह कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ देखिए सूचनात्मक चिन्ह पूछा है, तो सूचना के लिए ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, और ये वाला हो जाएगा कौन सा, ये अनिवार्य चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि इसके बिना तो आपको कंपनी में जाना ही नहीं है, ठीक है, ये तो निषेधात्मक हो जाएगा, निषेधात्मक। ठीक है, ये हो जाएगा चेतावनी, चेतावनी, ठीक है, कौन सा चेतावनी चिन्ह खतरे की आशंका को दर्शाता है, तो खतरे की आशंका ये दर्शाता है, क्योंकि जब भी कंप्यूटर में हम देखते हैं कोई फाइल खराब होती है, हानिकारक होती है, तो इस तरीके का सिंबल बन के आता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न सुरक्षा चिन्हों में से उदाहरणों कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है, तो अनिवार्य सुरक्षा चिन्ह अनिवार्य का है, तो इसमें धूम्रपान नहीं, संचार तो ये भी नहीं, हेड प्रोटेक्शन ही क्या है, हेड प्रोटेक्शन यानी कि टोपी लगाना ही जो कारीगर होते हैं उनके लिए अनिवार्य चिन्ह रहता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से कौन सा सुरक्षा चिन्ह वृत्त में दर्शाया जाता है, तो वृत्त में दर्शाने के लिए चेतावनी चिन्ह तो इस तरीके से त्रिभुज में होता है, और सूचना चिन्ह तो आयताकार होता है, ये भी वृत्ताकार होता है जो इस तरीके से होता है, अनिवार्य चिन्ह होता है जो इसमें हेड प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है, ग्लव्स दस्ताने वस्ताने बने होते हैं इस तरीके से, तो मुख्य रूप से निषेधात्मक चिन्ह ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ऑप्शन में भी सही है, इसमें सुरक्षा चिन्ह वृत्त में दर्शाया जाता है। सूचना चिन्ह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सूचनात्मक चिन्ह है, तो सूचनात्मक चिन्ह में उनकी पृष्ठभूमि हरा होती है, तो देखिए उनकी पृष्ठभूमि हरी होती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से उस चिन्हों का मिलान करना है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है कि जल से आग ना बुझाएं, यहाँ पर इसको मिला दीजिए, और यहाँ पर प्राथमिक उपचार का ये हो जाएगा, और यहाँ धूम्रपान निषेध यहाँ हो जाएगा, ये फिर इसके बाद बचा ये तरीके ये मिला देंगे, ठीक है, तो ए का थ्री से मिला है, तो इसमें हो गया ए का थ्री यहाँ हो गया, फिर बी का वन से मिला है, तो बी का वन से मिला है, इस सी का फोर से मिला है, सी का फोर से मिला है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। निम्न में से कौन सा चिन्ह 400 वोल्ट खतरा को दर्शाता है, तो खतरा वाला तो चेतावनी चिन्ह नहीं दर्शाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न कथनों पर विचार करना है, चेतावनी चिन्ह की हरी पृष्ठभूमि होती है, चूँकि ऐसा नहीं होता, चेतावनी चिन्ह जो इस तरीके से बनता है नहीं, चूँकि ये नहीं होता है, ये
चेतावनी चिन्ह आपका त्रिभुजाकार होता है, ठीक है, त्रिभुजाकार होता है जो कि पीले बैकग्राउंड पे बना होता है, सब काला काला रहता है, ठीक है। तो और ये क्या है, निषेधात्मक चिन्ह सफ़ेद पृष्ठभूमि में होता है, तो जो इस तरीके के से बना होता है और इसमें मान लीजिए कि कुछ बीड़ी है यहाँ पर जलाने के लिए मना किया गया है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड होता है, यहाँ जिस बैकग्राउंड में बना होता है ये सफ़ेद कलर का होता है, तो ये सही है, दूसरा वाला कथन ही सही है। इसमें कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज़ को आवश्यक किया जाना चाहिए, तो आवश्यक का मतलब अनिवार्य चिन्ह नहीं होता है, ठीक है, अनिवार्य चिन्ह ही आवश्यक को दर्शाता है, जैसे टोपी पहनना हो गया और दस्ताने पहनना, चश्मा लगाना वेल्डिंग करते समय, ये सब अनिवार्य चिन्ह के अंतर्गत ही आता है। अगला, जहर खाने, जहर के खतरे से कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, जहर के खतरे से, तो यहाँ पर ये जो कंकाल बना हुआ है बी ऑप्शन सही होगा इसका, जहर खतरे के लिए, जहर खतरे के लिए। और ये तो सूचना वाला चिन्ह हो गया ये वाला, और ये वाला कौन सा हो गया आपका, लेजर से खतरा के लिए हो गया। ये क्या होता है, मूल श्रेणी की चेतावनी, मूल श्रेणी में चेतावनी चिन्ह के पीछे का भाग रंग होता है, चेतावनी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह इस तरीके से होता है त्रिभुज में, ठीक है, चूंकि चेतावनी चिन्ह हो गया आपका इस तरीके से, और इसमें जो भी बना रहता है मान लीजिए कि इस तरीके से ये सब बना रहता है, ये पीले बैकग्राउंड है, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दिया गया सुरक्षा चिन्ह कौन सा है, तो ये सुरक्षा के हाथ में ग्लव्स पहनना है, तो ये अनिवार्य है, तो ये आवश्यक चिन्ह के अंतर्गत आएगा। कौन सा चिन्ह विकिरण से खतरे को दर्शाता है, तो विकिरण से खतरे के आपका कौन सा चिन्ह दर्शाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, विकिरण से खतरा, जिसे रेडिएशन जिसको बोलते हैं, रेडिएशन खतरा होता है ना, जैसे परमाणु बम से विस्फोट हो गया वहाँ रेडिएशन खतरा है, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए ये होता है सिंबल, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये तो जंग से, ये जंग वाला हो गया, ये जंग लग जाना, लगना इसके लिए होता है, ये आग वाला हो गया, आग से खतरे को दर्शाएगा, ये लेजर वाला हो गया, ठीक है, ये लेजर से खतरे को दर्शाएगा, इस तरीके से आपका ये सुरक्षा चिन्ह है, ठीक है। अगला है, आकृति में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया है, तो इसमें आकृति में जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज में खतरा वाला चेतावनी चिन्ह होता है, तो चेतावनी चिन्ह ऑप्शन नंबर सी सही होगा।